कृष्णा जी, अब तो आप खुश रहेंगे ना। आपको आपकी राधा रानी जो मिल गई है, अब जैसे आपको अपना प्यार करने वाला मिल गया, मुझे भी अपना प्यार करने वाला मिल जाएगा। जल्द ही सखा बाबू मेरे और मैं उनकी हो जाऊंगी। वो खुद हमारे प्यार की साक्षी बनेंगे, सबके सामने हमारे प्यार को अपनाएंगे। प्यारी, मैंने सबसे कह दिया है कि बोंदिता कल तुलसीपुर से जाएगी, तो उसकी तैयारी करवा। माफ कीजिए वरिष्ठ बाबू, आपने कैसे मान लिया कि बस आपने बोल दिया बात खत्म हो गई? मालिक, ये दुश्मनी है दुश्मनी। दुश्मनी शतरंज के बिसात की तरह होती है, जहाँ हर मोहरा हर पल कोई न कोई चाल सोचते रहता है, चलते रहता है जीतने के लिए, कभी सीधा कभी आड़ा और कभी तिरछा। हो सकता है कि तुम जो कह रहे हो वो सही है, लेकिन बिहारी, इस बार इस खेल में मैं भी हार नहीं मानूंगा। तुम घबराइए मत, आपका दुश्मन बनके आपके रास्ते में बारूद डालने नहीं आया, बल्कि साझेदारी का हाथ बढ़ाते हुए आपको बस यूं ही संभालने के लिए आया। ये तो और भी चिंता का विषय है। एक प्रस्ताव लाए हैं, सुन लीजिए, हो सकता है आपकी जो चिंता है खुशी में बदल जाए। अब देखिए, आपको और आपके तुलसीपुर को दुर्गा माँ की पूजा का अधिकार चाहिए, और मुझे मेरा मतलब है ठाकुर माँ को हमारी बोंदिता वापस चाहिए। तो बस कर लेते हैं ये सौदा, आप दुर्गा माँ की पूजा का अधिकार रख लीजिए और हम हमारी बोंदिता रख लेंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी हार की वजह से बोंदिता अपनी आवाज खो दे। बोंदिता की आवाज ही उसकी ताकत है बिहारी, उसकी तर्क करने की क्षमता ही उसकी ताकत है, और बोंदिता वही खो दे ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। इसीलिए जरूरत पड़े तो मैं भी चाल चलूंगा, कुछ सीधा कुछ आड़ा कुछ तिरछा। काका से शायद झूठ बोलना पड़े बोलूंगा, छल करना पड़े करूंगा। ज्यादा सोचिए मत जमींदार बाबू, हम दोनों के फायदे की बात रखी है मैंने। ठीक है, हमें मंजूर है तुम्हारा प्रस्ताव, पर हमारी एक शर्त है। हम चाहते हैं कि जिस दिन बोंदिता यहां से जाए उसी दिन उसका विवाह करा दिया जाए किसी से। हम वो सारे रास्ते बंद कर देना चाहते हैं जिससे वो तुलसीपुर या अनिरुद्ध के पास कभी वापस लौट सके। तुम्हारी ठाकुर माँ जिससे चाहे उसका विवाह करा दे, बस विवाह हमारे सामने उसी दिन होना चाहिए। वाह त्रिलोचन बाबू, जैसे आप चाहते हैं बोंदिता की शादी जरूर होगी, और वो भी किसी और से नहीं मुझसे। बोलो। ए मंजूर। मंजूर। तुलसीपुर और अनिरुद्ध की भलाई इसी में है कि ये बोंदिता उनसे दूर रहे। नहीं चाहते कि इतिहास फिर से एक बार खुद को दोहराए, और अनिरुद्ध का बोंदिता को लेके फितूर सब कुछ विध्वंस्त कर दे, सब कुछ विध्वंस्त कर दे।
आप आसानी से मान जाइए ये प्रस्ताव काका, पर मैं इतने आसानी से बोंदिता को वापस जाने नहीं दूंगा। अपने हिस्से की सजा तो भुगतनी ही होगी बोंदिता को। ऐसी क्या बात है जो आप सबके सामने नहीं बता सकते? वो ठाकुर माम, समझ में नहीं आ रहा मैं किस मुंह से बताऊं आपको। त्रिलोचन रॉय चौधरी ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा मेरे पास। मैं गया था जमींदार के पास बोंदिता की रिहाई की बात करने, और बड़ी मुश्किल से वो मान भी गया है। ये तो बहुत खुशी की बात है कि वो लोग मान गए, पर उन्होंने एक शर्त रखी है ठाकुर माँ। क्या शर्त रखी है जमींदारों ने? उन्होंने शर्त रखी है ठाकुर माँ कि बोंदिता सिर्फ और सिर्फ तभी वापस कृष्णा नगर आएगी जब उसकी शादी मुझसे होगी। क्या? हाँ ठाकुर माँ, वो त्रिलोचन रॉय चौधरी, वो बस अपना पल्ला झाड़ना चाहता है बोंदिता से। वो नहीं चाहता कि बोंदिता की जुबान पे अनिरुद्ध रॉय चौधरी या फिर तुलसीपुर का नाम तक आए। वो नहीं चाहता कि बोंदिता कभी भी तुलसीपुर या अनिरुद्ध रॉय चौधरी के पास वापस जाए। और ऐसा तभी संभव है ठाकुर, जब बोंदिता की शादी मुझसे हो जाए। पर बोंदिता तो, पर बोंदिता नहीं मानेगी ठाकुर माँ, यही ना। पर आप देखिए, हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है ठाकुर माँ। अगर हमने अभी बोंदिता को नहीं बचाया तो वो तुलसीपुर वाले उसे सन्यासी नहीं बना देंगे। हमें बोंदिता को बचाना होगा ठाकुर माँ, वरना वो परित्याग की विधि के नाम पे उसकी जुबान पे जलता हुआ कोयला रख के हमेशा के लिए उसकी आवाज छीन लेंगे। उसके बाद उसको काशी भेज देंगे। हमें बचाना होगा उसको। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप कर लीजिए, आप मेरी बोंदिता से शादी कर लीजिए। हां जमाई बाबू, ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मैं शादी भी कर लूंगा बोंदिता से, पर सिर्फ उसे बचाने के लिए। सुमति, मेरे जीवन में पहला अधिकार सिर्फ मेरी टुपुर का रहेगा। मैं अपने टुपुर की जगह कभी किसी को नहीं दे सकता। पर अगर मेरी ये शादी करने से बोंदिता सन्यासिनी बनने से बच जाएगी तो मुझे मंजूर है। मुझे मंजूर है ठाकुर माँ, मुझे मंजूर है। अब तुम्हें मेरी होने से कोई नहीं रोक सकता बोंदिता। इस बार तुम मंडप में बैठोगी भी और फेरे भी लोगी मेरे साथ। सखा बाबू, मुझे भरोसा है आप पर कि आप सही राह चुनेंगे। बेटा, दुर्गा माँ की मूर्ति खंडित हो गई है। दुर्गा माँ भी यही इशारा कर रही है अनिरुद्ध कि पसंद नहीं है उनको इस तरह बोंदिता को वापस भेजना। समझ रहे हो कुछ? नहीं, तुम कहाँ समझोगे और क्यों समझोगे? करो तुम्हें जो करना है। संपूर्णा बहू, तैयारी करवा देना, आज कलकत्ता जाना होगा मूर्ति ठीक करवाने के लिए। जी तैयारी। अम्मा लिख, दुर्गा माँ की मूर्ति गाड़ी में रखवानी है, जरा मदद कर दो, उसे बनवाना होगा। अब काका, दुर्गा माँ का इशारा मेरे लिए है तो फिर मूर्ति भी मुझे ही बनवानी चाहिए ना? क्यों बिहारी? जी मालिक, हम दुर्गा माँ की मूर्ति पर एक निशान बना देंगे, भले छोटा सा ही हो, पर इतना कि काका को ऐसा लगे कि मूर्ति खंडित है। और जितना मैं काका को जानता हूँ, वो खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होने देंगे। वो कहेंगे कि मूर्ति ठीक करवा के ला, तो बस मूर्ति ठीक करवाने के बहाने से हम बोंदिता को कृष्णानगर छोड़ देंगे। लेकिन काका, मैं वापस आने के बाद बोंदिता को कृष्णानगर ले जाऊंगा, इस बात पर कोई सवाल जवाब नहीं चाहता मैं। आया काका। अरे वाह, ये तो सारी मुश्किल ही आसान हो गई। हम तो सोच रहे थे कि बार बार ये मूर्ति खंडित होने वाली बात बोलेंगे तो थोड़ा तो अपशगुन लगेगा अनिरुद्ध को। दुर्गा माता ने खुद ही मुश्किल आसान कर दी। बस जैसे ही अनिरुद्ध यहाँ से जाएगा, हम खुद बोंदिता को कृष्णा नगर ले जाके अपने सामने उसका विवाह करवा देंगे। Thank you.
बंदता को यहाँ से निकालने की तैयारी करो बिहार। काका और बाकी सबको ये लगेगा कि मैं दुर्गा माँ की मूर्ति लेकर जा रहा हूँ। मैं चूनर उड़ाकर बोंदता को लेकर जाऊंगा। परेशानी बस ये है कि बोंदता को कैसे समझाऊं ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि चोरों की तरह भागने के लिए वो कभी नहीं मानेगी। चिंता मत कीजिए मालिक, ये काम मैं कर लूंगा। मैं लेकर के आऊंगा बोंदता मालकिन को। मालकिन? हरी बाबू आप? मालकिन मैं अपने हाथों से आपके लिए कुछ बनाकर लाया हूँ, आप खाएंगी ना? नहीं नहीं, बैरिस्टर बाबू ने नहीं भेजा है, मैं लाया हूँ। जानता हूँ स्वाद त्यागने की विधि की है आपने, पर ये सब वैसा ही बना है जैसा सन्यासी जीवन को मान्य हो। ये बात अलग है कि आप नौकर के हाथों से। भारी बाबू ये आप कैसी बातें कह रहे, मैं जरूर खाऊंगी। अरे बाबू ये तो बहुत अच्छी है। माफ करना बोंदता, छल से तुम्हारी खीर में बेहोशी की दवा मिलाई है, पर किसी भी कीमत पर तुम्हें तीसरी विधि से बचाना था। कीजिए मालकिन, इतने लंबे समय से चूनर में बंद हो, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत परेशानी हो रही होगी बोंदता, पर मैं भी क्या करता। तुम्हारी जिद तोड़ने का, तुम्हें सुरक्षित कृष्णानगर पहुँचाने का और कोई रास्ता बचा ही नहीं था मेरे पास, इसीलिए तुम्हें बेहोश करना पड़ा। पर मुझे नहीं लगता अब कोई परेशानी है, तो मैं अब ये चूनर हटा देता हूँ। देखो हमने अपने वादे के मुताबिक हम बोंदता को यहाँ ले आए हैं। अब बस हमें ये बता दो कि तुम किसके साथ इसका विवाह करवा रहे हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है, अपनी आंखों के सामने बोंदता की शादी किसी और से होते हुए देखना चाहते हैं, ताकि उसका नाम दोबारा कभी रॉय चौधरी परिवार से जुड़ ना पाए। और जब तक वो पूरी तरह से ब्याहता नहीं बन जाएगी, तब तक उसका रिश्ता पूरी तरह से अनिरुद्ध से कभी खत्म नहीं होगा। जमींदार बाबू, कृष्णा नगर तो क्या, आसपास के सारे गांव में कोई एक भी ऐसा नहीं मिला जो बोंदता से शादी करने के लिए तैयार हो। पता है क्यों? आपके बैरिस्टर बाबू की वजह से। ये सब जानते हैं ना बोंदता और बैरिस्टर बाबू के पुराने रिश्ते के बारे में। और तो और अब ये पढ़ी लिखी है वो नए आजाद ख्यालों वाली बैरिस्टर है और छोड़ी हुई औरत है। इसके माथे पे छोड़े जाने का, पति से रिश्ता टूटने का इसका दाग अब भी है ना? इसीलिए मेरे किए गए वादे को रखने के लिए, बोंदता के सम्मान, बोंदता की रक्षा के लिए मैं बोंदता से शादी करूंगा। संपूर्णा माँ, आप यहां कैसे? संपूर्णा माँ, आप यहां हैं तो बोंदता कहां है? वो
बोंदिता अब जेठ जी के पास है, दीनपुर के आगे वाले छोटे गांव की मंदिर में। बोंदिता काका के साथ? पर ये कैसे हो सकता है? ये इस योजना के बारे में तो सिर्फ मुझे और बिहारी को पता था। बिहारी ने जब बोंदिता को बेहोश किया था, त्रिलोचन जेठ जी ने उसे देख लिया था। अनिरुद्ध हमारे साथ छल कर रहा है, वो दुर्गा माता की मूर्ति कलकत्ता लेकर नहीं जा रहा, बल्कि उस चुनर में लपेट कर बोंदिता को ले जा रहा है। हमें उसे रोकना होगा। पर नहीं, बस योजना में कुछ बदलाव करना होगा। अब बोंदिता की जगह उस चुनर में अनिरुद्ध के साथ तुम जाओगे। विश्वास नहीं हो रहा कि काका अब भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। विश्वास नहीं हो रहा कि काका मेरे साथ इतना बड़ा छल कर सकते हैं। तुम शादी करोगे उससे? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? वैसे भी तुम तो पहले से ही शादीशुदा हो। हाँ हूँ, पर बोंदिता से शादी करूंगा तो भी बोंदिता हमारे पास आएगी ना, हमारे गांव, वरना आप तुलसीपुर वाले तो फिर से हमला कर बैठेंगे इस पर। और ये सब क्यों? सिर्फ इसीलिए कि हमें दुर्गा माँ की पूजा का अधिकार मिल जाए, रॉय चौधरियों का नाम हो जाए गांव वालों के सामने, तुलसीपुर वालों के सामने रॉय चौधरियों की वाहवाही हो जाए। और इसके लिए काका किसी भी हद तक गिर सकते हैं। वो बोंदिता की शादी किसी से भी करवा रहे हैं। क्या तुमने बोंदिता की माँ सुमति से अनुमति ली है उससे शादी की? हाँ जमींदार बाबू, ली है। बिना सुमति काकी के इतना बड़ा कदम मैं नहीं उठा सकता। अब अगर आपका और कोई सवाल नहीं है तो हम रस्म शुरू करें। संपूर्णा माँ, ये गलत है, ये अन्याय है बोंदिता के साथ, और मैं बोंदिता के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। रुकिए, बोंदिता कहाँ है? हमें नहीं पता। अब की बार इस धोखे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। हाँ, हमने कोई धोखा नहीं दिया, हम तो बोंदिता को ही लेके आए थे। पता नहीं ये लड़की तो ये सब अनिरुद्ध रॉय चौधरी का किया धरा है। नहीं नहीं नहीं, अनिरुद्ध को तो बेचारे को कुछ पता भी नहीं है। तो कहाँ है बोंदिता? कौन लेके गया उसे? काका ने दादा की गाड़ी में संपूर्णा माँ को बिठाकर तुम्हें अपने गाड़ी में बिठा दिया ताकि तुम्हें वापस भेज दें, पर मैंने तुम्हें उनकी गाड़ी से अगवा कर यहाँ ले आया। नफरत करता हूं मैं तुमसे बोंदिता, बहुत बहुत नफरत। आ जाइए। अब बोंदिता के परित्याग की आखिरी विधि यहीं पे होगी, और यहीं पर इसके जुबान पर जलता हुआ कोयला रखकर इसकी आवाज हमेशा के लिए इससे छीनी जाएगी, और आपके साथ इसे काशी भेजा जाएगा, और तुलसीपुर के लोग दादा की जय जयकार करेंगे।
धोखा दिया है तुमने हमें। धोखा? हमारा करार था कि हमें बांधता वापस चाहिए, और आपने क्या कहा था जमींदार बाबू, याद है? मंजूर है। और अब आप कह रहे हैं कि आपको पता नहीं बांधता कहां है? धोखा। और इस धोखे के बदले मुझे अपनी सारी गोलियां आपके सीने में दाग देनी चाहिए, त्रिलोचन रॉय चौधरी। रॉय चौधरी जान दे सकते हैं पर अपनी जुबान से पीछे नहीं हटते। संजय, बांधता को ही लेकर आए थे। पता नहीं ये दूसरी लड़की कहां से आ गई, जाने कौन ले आया इसे। अरे हमने तो हमारे करार के बारे में अनिरुद्ध तक को नहीं बताया। बांधता कहां गई? वाह काका वाह, आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे काका, आपने तो वो कर दिया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। फिलहाल मैं ये जानना चाहता हूँ कि बांधता कहाँ है। बेटा हमें नहीं पता। बस काका, अब आपका सच और नहीं सुनना चाहता, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। फिलहाल मुझे सिर्फ इतना जानना है कि बांधता कहाँ है, क्योंकि अगर बांधता को कुछ हुआ ना काका, कभी माफ नहीं कर पाऊंगा अपने आप को। अब जल्दी से ये जलता हुआ कोयला बांधता के जुबान पर रखकर पूरी कर देते हैं ये विधि, और बना देते हैं उसे सन्यासी। सही मुहूर्त शुरू हो चुका है, बस कुछ ही पलों में परित्याग की विधि पूरी हो जाएगी।